नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्तम भाव के मालिक की, यानी सेवंथ लॉर्ड अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, आपके लग्न में बैठ जाए, तो उसका क्या फल देखने को मिलेगा, आपको किस प्रकार से ये प्रभावित करेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी जरूर ही लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, सप्तम भाव हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे लग्न से सप्तम में होता है और ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि सप्तम भाव से देखिए, हम एक तरह से हमारे वैवाहिक जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन साथी के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरी बात हमारे सहयोग को, साझेदारी को बताता है, व्यापारिक साझेदारी को बताता है, दुनिया हमें किस तरह से देखती है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये सब जानकारी हमें सप्तम भाव से मिलती है। तो सप्तम भाव के मालिक जो भी ग्रह बनते हैं आपकी कुंडली में, उनका अलग अलग भाव में बैठना बहुत ही एक तरह से अलग प्रभाव आपको देगा। तो आपको इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि सप्तम भाव के मालिक आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं और उनका प्रभाव किस प्रकार से आप पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर सप्तम भाव के मालिक आपके लग्न में यानी प्रथम भाव में ही बैठ जाएं तो उसका क्या फल देखने को मिलेगा। देखिए दर्शकों, सप्तम भाव के मालिक जब लग्न में बैठेंगे तो आपके जीवन साथी का आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, यानी आपके विवाह होने के बाद में आपके जीवन की दिशा ही बदलने वाली है। आपके जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, कोई नई राह दिखा सकते हैं, जिस कारण आपका विवाह के बाद भाग्योदय हो सकता है। जीवन साथी का एक तरह से आपके ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सप्तमेश खुद लग्न पे बैठ गए हैं, यानी आपके पति या पत्नी आपके सिर पर बैठ चुके हैं, यानी उनका प्रभाव आपके जीवन पर देखने को तो मिलने ही वाला है। इसके बाद दर्शकों, देखा जाए तो विवाह के बाद आप अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, यानी आपके विवाह से पहले आपने आपकी लाइफ को इतना सीरियस नहीं लिया होगा, परंतु जब आपका विवाह हो जाएगा तो ये सप्तमेश आपके जीवन को नई दिशा देंगे, आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानेंगे और जीवन साथी आपके बहुत ज्यादा सहयोगी रहेंगे इसमें। वो आपको एक नया मार्ग दिखाएंगे कि आपको जीवन में आखिर चाहिए क्या और क्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दर्शकों को देखें तो सप्तम भाव दुनिया को दर्शाता है, यानी आप विवाह के बाद बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, बड़े स्तर पर आप प्रसिद्ध हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, दुनिया में आपके विवाह के बाद आपको जाना जाएगा, आपके काम की सराहना होगी, इस स्तर पर आप समझ सकते हैं। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो ऐसे इंसान अपने लाइफ पार्टनर की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आपके जीवन साथी आपको जो भी कहेंगे आप उनकी बात मानेंगे और उसके अनुसार ही जीवन में काम करेंगे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर जीवन साथी आपको सही राह दिखा रहा है तो जीवन साथी की सुनने में कोई हर्ज नहीं है, यानी यहाँ पर जीवन साथी का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। ऐसे इंसान की आंतरिक ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती है, मतलब लग्जीरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, ऐसे इनके शौक होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ को, ट्रेवल ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा होती है, कई बार तो आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है, तो आपके जीवन में यात्राएं काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इसके बाद दर्शकों को देखा जाए तो ऐसे इंसान बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस खास करके साझेदारी से करें, पार्टनरशिप में करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत चलता है, कई बार लाइफ पार्टनर के साथ भी आप व्यापार करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी आपके साथ व्यापार में जुड़ जाएं तो आपका व्यापार बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है। इसके बाद दर्शकों देखें तो ऐसे लोगों का विवाह कई बार देखा जाता है कि सप्तमेश अगर लग्न में हो तो आपका विवाह आपके किसी जान पहचान के इंसान से हो सकता है, या तो आप उसे बचपन से जानते होंगे, या फिर उसका स्थान भी आपके जन्म स्थान के बहुत नज़दीक होगा, मतलब आपके लाइफ पार्टनर का घर भी आपके जन्म स्थान के बहुत नज़दीक होगा, ऐसा देखने को मिलता है। कई बार ऐसी स्थितियां लव मैरिज को भी इंडिकेट करती है, आप जिससे पसंद करते हैं उनसे भी आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश लग्न में बैठे हैं तो यानी आपकी ख्वाहिशें इस जन्म में जरूर पूरी होने वाली है। इसके बाद दर्शकों को देखा जाए तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी बनती है कि ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा जीवन साथी के साथ में, प्रेम और सहयोग की भावना हमेशा बनी हुई रहेगी। इसके बाद दर्शकों आगे देखें तो आपके विवाह के बाद जीवन साथी जो आपको सहयोग करेंगे, इसके कारण आप प्रसिद्ध होंगे, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। वो सप्तमेश जब लग्न में होते हैं तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग अपोजिट जेंडर के इंसान के साथ
काम करते हैं, यानी जहाँ पर वो कार्य क्षेत्र उनका रहता है वहाँ पर अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ ज़्यादा काम करेंगे, महिला है तो पुरुषों के साथ काम करेंगे, तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। वहीं दर्शकों, सप्तमेश अगर लग्न में होगा तो व्यक्ति अगर सोशल मीडिया से जुड़कर काम करता है या कोई सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, पॉलिटिक्स आदि में जाना चाहता है, तो उसे सफलता मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है। अब देखिए दर्शकों, ये तो रहा अगर सप्तमेश पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, अच्छी स्थिति में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये सब अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सप्तमेश अगर पीड़ित हो जाते हैं, राहु के साथ शनि के साथ बैठे हैं, कहीं से भी पीड़ित हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए अगर सप्तमेश पीड़ित होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोग छोटी उम्र से ही गलत आदतों में लग जाते हैं, नशे की लत लग जाती है, या फिर देखिए सप्तम भाव काम इच्छाओं को भी दर्शाता है, तो ऐसे इंसान में कामुक भावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, छोटी उम्र से ही वो वीर्य का नाश करने लगते हैं, गलत आदतें उनमें लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है। कई बार दर्शकों इनकी काम इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो अनैतिक संबंधों में भी चले जाते हैं। सप्तमेश लग्न में हो और पीड़ित हों तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी से फिर वो रिश्ता भी खराब नहीं करना चाहते हैं, और बाहर वो जाकर अपने अफेयर वगैरह भी चलाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पड़ जाते हैं, परंतु देखिए एक ना एक दिन वो सामने जरूर आता है, क्योंकि सप्तमेश जब लग्न में होते हैं तो दुनिया आपको जानने लगती है कि आप कैसे हैं, तो ऐसे राज फिर छुप नहीं सकते, कभी ना कभी वो आपकी सामाजिक छवि को खराब कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना होगा। इसके बाद दर्शकों को देखा जाए तो अगर सप्तमेश लग्न में पीड़ित हैं तो कई बार ये आपके दोह विवाह भी करवा सकते हैं, ऐसी कंडीशन भी देखी जाती है। इसमें और भी चीज़ें मायने रखती है, परंतु अगर ये पीड़ित हैं तो वे दोह विवाह होने की स्थिति का निर्माण भी करते हैं। तो इस प्रकार से दर्शकों देख सकते हैं कि सप्तमेश अगर लग्न में बैठे हों, सेवंथ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हों, तो इसका क्या परिणाम मिलता है। सेवंथ हाउस के लॉर्ड हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लग्न में बैठ के अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित मानिए विवाह के बाद आपका जीवन परिवर्तित होगा, जीवन साथी बहुत ही सहयोगी और समर्पित मिलेंगे आपको, चाहे आपके पति हो या पत्नी हो, आपके जीवन को वो नई दिशा देंगे, आपके साथ पूर्ण सहयोग की भावना रखेंगे, और उनके आपका विवाह होने के बाद आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। यानी सेवंथ हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना काफी अच्छा माना जा सकता है आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, और आपके बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से, या फिर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो दर्शकों ये जानकारी बनती है आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।